बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमारा मेन टॉपिक है टॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हमने वो डोजेज फॉर्म्स डिस्कस की हैं जिनको हम टॉपिकल और ट्रांसडर्मल रूट के ज़रिए स्किन पे अप्लाई करते हैं और ड्रग का सिस्टमिक और लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, जिनमें से मोस्टली वो डोजेज फॉर्म्स हैं जो कि टॉपिकल एप्लीकेशन के थ्रू लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम फैसिलिटेट करता है ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक एजेंट्स स्किन के थ्रू, ताकि ड्रग जनरल सर्कुलेशन में आके अपना थेराप्यूटिक और सिस्टमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे और ड्रग की एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन इनटू द जनरल ब्लड सर्कुलेशन, इसे हम कहते हैं परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। और जब ड्रग मॉलिक्यूल्स स्किन की लेयर से पास होते हैं तो उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन और परमिएशन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो ड्रग्स टॉपिकल डर्मल रूट्स के थ्रू स्किन पे अप्लाई करते हैं उन्हें हम लोकल इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और जिसमें हमारा टारगेट ऑर्गन जो है यूजुअली स्किन होता है। और टॉपिकल डिलीवरी में आइडियल गोल ये होता है कि ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा स्किन पे एक्यूमुलेट रहे ताकि स्किन पे लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके। लेकिन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के केस में हमारा आइडियल गोल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग स्किन की लेयर से पास हो जाए और पास हो के ब्लड सर्कुलेशन में आए और अपना सिस्टमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे और स्किन पे ड्रग एक्यूमुलेट ना हो। वेरियस कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स हैं जिन्हें हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रीम, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, जेल एक्सेट्रा। इन डोजेज फॉर्म्स को स्किन पे अप्लाई करते हैं और डिफरेंट स्पेशल मेथड्स के थ्रू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्किन की लेयर से पास करवा के जनरल सर्कुलेशन में पास करते हैं। देन जनरेशंस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। अब वो तमाम मेथड्स, इनको हमने तीन जनरेशन्स में क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी एंड नोवेलिटी। फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसडर्मल पैचेस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जबकि सेकंड जनरेशन में हम स्किन के थ्रू ड्रग की पेनिट्रेशन को इन्हांस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल पेनिट्रेशन इन्हांसर्स, नॉन कैविटेशनल अल्ट्रासाउंड, आइंटोफोरेसिस एक्सेट्रा। और इन मेथड्स के थ्रू हम स्ट्रेटम कॉर्नियम को रिवर्सिबल डिस्ट्रप्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि ड्रग की पेनिट्रेशन इंक्रीज हो सके। जबकि थर्ड जनरेशन में हम एडवांस मेथड्स यूज़ करते हैं और स्किन को, स्ट्रेटम कॉर्नियम को इरिवर्सिबली टारगेट करते हैं लेकिन डीप टिश्यूज़ और डीप लेयर्स को अफेक्ट नहीं करते। कौन कौन से मेथड्स हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल पेनिट्रेशन इन्हांसर्स, बायोकेमिकल इन्हांसर्स, नोवल केमिकल इन्हांसर्स, माइक्रोनीडल्स, इलेक्ट्रोपोरेशन, कैविटेशनल अल्ट्रासाउंड, थर्मल एब्लेशन टेक्निक्स। और इन मेथड्स के ज़रिए हम प्रोटीन्स, वैक्सीन्स और अदर
मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्किन के थ्रू ब्लड में डिलीवर करवाते हैं। नाउ स्किन, स्किन इज बेसिकली द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन विच हैज़ 1.7 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एंड विच इज़ ऑफ 10% ऑफ द टोटल बॉडी मास। स्किन के जो डोमिनेंट फंक्शंस हैं वो हैं बैरियर प्रोवाइड करना बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बॉडी। स्किन डिफरेंट केमिकल्स, रेडिएशंस, एलर्जेंट्स और माइक्रोब्स को बॉडी में एंटर होने से रिजिस्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है कि न्यूट्रेंट और मॉइस्चर स्किन के थ्रू एवोपोरेट और लॉस ना हो जाए। फर्दर मोर, स्किन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है होम्योस्टेसिस, दैट इज़ टू कंट्रोल द बॉडी प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इसके अलावा स्किन एक ऑप्टिमल रूट प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए ड्रग को टॉपिकल और सिस्टमिक इफ़ेक्ट के लिए डिलीवर करवा सकते हैं। देन एनाटॉमी ऑफ स्किन, परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्किन की एनाटॉमी को ब्रीफली रिव्यू करेंगे। स्किन इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स, आउटर वन जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एक्सपोज होती है वो है एपिडर्मिस, देन सेकेंड वन इज़ डर्मिस एंड द लास्ट इनर मोस्ट इज़ सबकुटेनियस फैट टिश्यू लेयर जिसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस की लेयर टाइटली कनेक्टेड होती हैं विद अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन लेयर्स के अलावा वेरियस अपेंडिजेस भी स्किन के साथ लिंक्ड होती हैं जैसे कि एक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। अब इस पिक्चर में क्लियरली शो हो रहा है कि तीन लेयर्स हैं स्किन की, फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड लास्ट इनर मोस्ट इज सबकुटेनियस टिश्यू लेयर। इसके अलावा स्किन में हेयर फॉलिकल्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टेरियोल्स हैं और नर्व्स हैं और सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो एपिडर्मल लेयर है उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स या फिर नर्व्स नहीं हैं, सिर्फ एपिडर्मिस में सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं और हेयर फॉलिकल्स हैं, इसके अलावा ग्लैंड्स की ओपनिंग्स हैं। यहाँ एपिडर्मिस में ब्लड सप्लाई और ग्लैंड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जबकि डर्मल लेयर और सबकुटेनियस टिश्यू लेयर में ब्लड कैपिलरीज भी हैं, ब्लड सप्लाई है, इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स हैं और डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। नाउ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। बेसिकली एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन विच इज़ वाटर प्रूफ एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। एज शोन इन द पिक्चर, एपिडर्मिस की मेन फाइव लेयर्स हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिल। जो ये फर्स्ट वन लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये इस एपिडर्मिस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है, जबकि स्ट्रेटम बेसिल के नीचे डर्मिस से पहले एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि इस डर्मिस को और एपिडर्मिस को टाइटली कनेक्ट रखती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। देन देयर आर नो ब्लड वेसल्स इन एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं हैं, ब्लड वेसल्स हैं डर्मिस की लेयर में, तो लाजमी है कि ड्रग इन एपिडर्मल लेयर्स को पास करते हुए डर्मिस में आए
ताकि वहाँ वो परक्यूटेनियसली एब्जॉर्ब हो सके। एपिडर्मिस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है फर्स्ट वन आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। और स्ट्रेटम कॉर्नियम एक्ट एज सेमी परमिएबल आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, और स्किन का जो बैरियर और प्रोटेक्शन फंक्शन है वो बेसिकली स्ट्रेटम कॉर्नियम की वजह से है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की कंपोजिशन में अप्रॉक्सीमेटली 40% प्रोटीन्स, जिसमें मेनली केराटिन है, 40% वाटर और रिमेनिंग पार्ट लिपिड का शामिल है। और लिपिड्स में भी मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू ड्रग्स बॉडी में पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं, और स्ट्रेटम कॉर्नियम एक्ट करती है एज मेजर रेट लिमिटिंग बैरियर इन ड्रग ट्रांसपोर्टेशन। रेट मींस अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, जबकि रेट लिमिटिंग का मतलब है कि इस रेट को लिमिटाइज करना है और इस ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है। क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम का मेजर पार्ट प्रोटीन और लिपिड बेस है, तो यही वजह है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू ड्रग की पेनिट्रेशन में रेजिस्टेंस होती है, तभी हम इसको रेट लिमिटिंग बैरियर कहते हैं। वंस जब ड्रग मॉलिक्यूल्स स्ट्रेटम कॉर्नियम से प्रॉपरली पास होके एपिडर्मिस की बाकी लेयर से पास होके डर्मिस में आ जाए, तो वहाँ ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब होके जनरल सर्कुलेशन में आके अपना सिस्टमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। एज वी हैव डिस्कस के एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो एब्जॉर्प्शन के लिए लाजमी है कि ड्रग्स डर्मल लेयर में आए प्रॉपर कंसंट्रेशन में और वहाँ फिर एब्जॉर्ब हों। देन डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। स्किन की मिडिल और सेकंड लेयर जो कि स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है वो है डर्मिस। डर्मिस लेयर में ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क मौजूद होता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू स्किन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल भी होता है। स्किन विटामिन डी सिंथेसाइज करती है और ब्लड वेसल्स के ज़रिए विटामिन डी को बॉडी को सप्लाई किया जाता है। देन द इनर मोस्ट फैटी एडिपोज टिश्यू की जो लेयर है उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कैरीज लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड हेयर फॉलिकल। सबकुटेनियस टिश्यू लेयर सर्व्स अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर, दैट इज हीट इंसुलेशन, एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन। नॉट ऑल ड्रग सब्सटेंसेस आर सुइटेबल फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। अमोंग द फैक्टर्स प्लेइंग अ पार्ट इन परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, इंक्लूडिंग इट्स मॉलिक्यूलर वेट, सॉलिबिलिटी, पार्टीशन कोफिशेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड द नेचर ऑफ कैरियर वहीकल एंड द कंडीशन ऑफ स्किन। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी ड्रग सुइटेबल है फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब जो फर्स्ट फैक्टर है वो है ड्रग कंसंट्रेशन लोडेड इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी जितना ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लोड होगी उतनी ही ज़्यादा परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन होगी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम।
Second is application area. Transdermal drug delivery system का size जितना बड़ा होगा उतना ही application area बड़ा होगा, तो available absorption area भी ज़्यादा होगा, जो कि finally intern absorption को increase करेगा. Then next factor is attraction of drug with the skin and vehicle. अगर ड्रग की फिजिको केमिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होगी स्किन के साथ, तो वो ईज़िली अपने वहीकल को लीव करके स्किन से प्रॉपरली पेनिट्रेट हो जाएगी. लेकिन अगर ड्रग वहीकल अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो फिर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी. देन नेक्स्ट फैक्टर इज सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग एंड पार्टीशन कोफिशेंट. स्किन की कंपोजिशन लिपोप्रोटीन नेचर की है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ड्रग लिपोफिलिक नेचर की हो ताकि वो इजीली स्किन की लिपिड बेस एपिडर्मल लेयर्स से पेनिट्रेट हो सके. लेकिन जब पेनिट्रेशन के बाद ड्रग साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे एब्जॉर्ब होने के लिए पहुंचेगी, तो वहाँ ज़रूरी है कि ड्रग एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, सो इट कैन ईजीली बी एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल्स. मीन्स के ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की भी हो. तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्रग शुड बी सॉल्युबल इन बोथ लिपिड एंड वाटर, दैट इज शुड हैव हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक प्रॉपर्टी फॉर इफेक्टिव परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन. जनरली अनआयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग ईजीली पेनिट्रेट हो जाती हैं स्किन के थ्रू. नॉन पोलर ड्रग्स लिपिड रिच सेल बैरियर से ईजीली पास हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांस सेलुलर रूट. जबकि पोलर ड्रग्स जो हैं वो बिटवीन द सेल्स पास होती हैं, दैट इज़ इंट्रा सेलुलर रूट. द नेक्स्ट फैक्टर इज़ मॉलिक्यूलर वेट. ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट आइडियली 400 डेल्टन से ज़्यादा ना हो. अगर ऐसी ड्रग सिलेक्ट करेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट या 400 डेल्टन से ज़्यादा होगा, तो फिर ड्रग मॉलिक्यूल्स स्किन से पेनिट्रेट नहीं होगी. जब इस ड्रग स्किन से पेनिट्रेट नहीं होगी तो फिर एब्जॉर्ब भी नहीं होगी. देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ स्किन कंडीशंस. अगर स्किन की लेयर्स में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, तो फिर परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी. ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑक्लूसिव बैरियर के तौर पे एक्ट करता है और स्किन के स्वेट को और मॉइस्चर को एवापोरेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से स्किन की लेयर्स में हाइड्रेशन इंक्रीज होती है. देन नेक्स्ट फैक्टर इज थिकनेस ऑफ स्किन. थिन स्किन के थ्रू ड्रग्स ईजीली पेनिट्रेट होके एब्जॉर्ब होती हैं एज कम्पेयर टू थिक स्किन पोर्शंस. मीन्स के ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम थिन स्किन पोर्शन पे यूजुअली अप्लाई करेंगे. देन लास्ट फैक्टर इज ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन. जनरली द लॉन्गर द मेडिकेटेड एप्लीकेशन इज परमिटेड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद स्किन, द ग्रेटर इज द टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन. मीन्स के हम ऐसा सिस्टम फॉर्मूलेट करेंगे जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन वन डे के अकॉर्डिंग लोड होगी, तो उस ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को वन डे के लिए यूज़ करेंगे, स्किन पे अप्लाई करेंगे. और अगर हम उस सिस्टम को सेवन डेज के अकॉर्डिंग फॉर्मूलेट करेंगे, दैट इज़ इतनी डोज ड्रग की लोड करेंगे जो कि सेवन डेज के लिए इनफ है, तो सेवन डेज की जो
सिस्टम होगी उसमें टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वन डे की फॉर्मुलेशन से. द नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड फॉर इंक्रीजिंग द ड्रग परमिएशन एंड पेनिट्रेशन. देर आर वेरियस मेथड्स टू इन्हांस द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स विच आर कैरेक्टराइज एज फिजिकल अप्रोच, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है एंटोफोरेसिस. सेकंड जनरेशन का मेथड है जिसमें हम ड्रग की पेनिट्रेशन को इन्हांस करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, दैट इज कैथोड एंड एनोड. स्किन पे डोजेज फॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो क्रीम अप्लाई करने के बाद हम उस जगह इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे जिसके ज़रिए ड्रग इजीली स्किन के थ्रू पेनिट्रेट हो जाएंगे. देन सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड. इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड थर्ड जनरेशन का मेथड है जिसमें वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है स्किन पे ताकि स्किन की लेयर्स में पोर्स जनरेट हो सकें और ड्रग इजीली पेनिट्रेट हो जाए. देन थर्ड मेथड इज सोनोफोरेसिस, जिसे हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं. अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू स्किन में पोर्स जनरेट होते हैं और ड्रग को पेनिट्रेट करवाया जाता है. अब अगर ये अल्ट्रासाउंड नॉन कैविटेशनल है तो ये हम क्लासिफाई करेंगे सेकंड जनरेशन में, और अगर ये अल्ट्रासाउंड कैविटेशनल है तो फिर इसे हम क्लासिफाई करेंगे थर्ड जनरेशन में. देन फोर्थ मेथड इज थर्मल एनर्जी मेथड. थर्मल एनर्जी जो है वो थर्ड जनरेशन का मेथड है जिसमें हीट एनर्जी के थ्रू स्किन में पोर्स क्रिएट करवाए जाते हैं और ड्रग को पेनिट्रेट करवाया जाता है. द नेक्स्ट मेथड इज स्ट्रिपिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्किन के जिस पोर्शन पे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या डोजेज फॉर्म अप्लाई करनी है वहाँ से हम फिज़िकली स्ट्रेटम कॉर्नियम को रिमूव करवाते हैं जो कि ड्रग पेनिट्रेशन में हिंड्रेंस कॉज करती है. अब जब स्ट्रेटम कॉर्नियम ही रिमूव हो जाएगा तो ड्रग इजीली एपिडर्मल लेयर से पास होके डर्मिस में एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होगी. देन नेक्स्ट इज हाइड्रेशन. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग हम ऑक्लूसिव टेप्स को यूज़ करके स्किन को रैप करते हैं ताकि मॉइस्चर और स्वेट एवोपोरेट ना हो और हाइड्रेशन इंक्रीज हो जिसके ज़रिए स्किन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी. देन लास्ट फिज़िकल मेथड इज़ यूज़ ऑफ माइक्रो नीडल्स. माइक्रो नीडल्स बेसिकली ड्रग लोडेड माइक्रोन साइज नीडल नेटवर्क होती हैं. जब हम इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये नीडल्स स्ट्रेटम कॉर्नियम से पेनिट्रेट हो जाती हैं और ड्रग को डायरेक्टली डर्मल लेयर्स में रिलीज़ करवाती हैं. जैसे कि ये पिक्चर्स में शो है कि ये एक माइक्रो नीडल एरे है. इन माइक्रो नीडल्स में ड्रग लोड हुई हुई होती है और जब हम इसको स्किन की एपिडर्मल लेयर पे अप्लाई करेंगे तो ये नीडल्स जो हैं पेनिट्रेट होकर डायरेक्ट डर्मल लेयर्स में ड्रग को रिलीज़ करेंगी. यानी हम एपिडर्मल लेयर को बाईपास करके डायरेक्ट ड्रग को डर्मल लेयर्स में रिलीज़ करवा रहे हैं. देन नेक्स्ट अप्रोचेस आर केमिकल अप्रोचेस, जिसमें सबसे पहले है डीलिपिडाइजेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम. फिजिकल रिमूवल ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो एक पेनफुल मेथड है. तो बजाय इसके कि हम स्ट्रेटम कॉर्नियम को रिमूव करवाएं, हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हुए स्ट्रेटम कॉर्नियम के लिपिड कंटेंट को रिमूव करवाते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स एक्सेट्रा, इन केमिकल्स के ज़रिए हम स्किन के पोर्शन पे लिपिड के कंटेंट को रिमूव आउट करवाते हैं.
Then second approach is synthesis of lipophilic analogs. अगर ड्रग हमारे पास कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक नेचर हाइड्रोफिलिक नेचर की है तो वो स्किन की लेयर से पेनिट्रेट नहीं होगी, तो हम हाइड्रोफिलिक ड्रग के साथ लिपोफिलिक पोर्शंस और मॉलिक्यूल्स को अटैच करेंगे और ताकि ड्रग की पेनिट्रेशन और परमिएशन को इन्हांस करवा सकें. देन नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ केमिकल पेनिट्रेशन इन्हांसर्स. डिफरेंट केमिकल्स को ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की फॉर्मुलेशन में ऐड करके यूज़ करके हम ड्रग की परमिएशन को पेनिट्रेशन को इन्हांस करवा सकते हैं. देन बायोलॉजिकल अप्रोचेस. दीज मेथड्स इंक्लूड द ऑल्ट्रेशन ऑफ स्किन एंजाइम्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स टू इंक्रीज द फ्लक्स रेट. These approaches includes number one, synthesis of bioconvertible prodrugs. ड्रग को हम prodrugs की फॉर्म में जो कि lipophilic और hydrophilic nature की होंगी synthesize करेंगे और फिर वो जब body में enter हो जाएंगी तो enter होने के बाद liver में मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपने एक्चुअल थेरापेटिक एजेंट की फॉर्म में मेटाबोलाइज हो जाएंगी और अपना थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करेंगी. प्रो ड्रग्स बेसिकली इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं जो कि लिवर में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद अपने मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती हैं और वो मेटाबोलाइट जो है वो थेरापेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है. तो हम ऐसी प्रो ड्रग्स प्रिपेयर करेंगे जो कि लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक बोथ नेचर की होंगी, तो वो बॉडी में जाने के बाद फिर कन्वर्ट होने के बाद अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकेंगी. देन सेकंड इज यूज़ ऑफ स्किन मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स. स्किन में डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज करके उनकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं, इसलिए हम इन एंजाइम्स को इनहिबिट करवाते हैं बाय यूजिंग मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स ताकि ड्रग की फाइनल एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म से डिक्रीज ना हो. देन लास्ट इज यूज ऑफ स्किन लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स. यानी हम ऐसी बायोलॉजिकल ड्रग्स यूज़ करें जो कि इनिशियली स्किन की लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करवाए ताकि स्ट्रेटम की कॉर्नियम की लेयर में कम से कम जो है वो लिपिड और प्रोटीन्स मौजूद हों जो कि ड्रग की पेनिट्रेशन में रेजिस्टेंस कॉज करें. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रांसडर्मल पैचेस को डिस्कस करेंगे.